घर लौटते समय रेलिंग से टकराई क्रिकेटर ऋषभ पंत की बीएमडब्ल्यू कार, लगी आग, गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का दिल्ली से घर लौटते समय बड़ा हादसा हो गया। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर मोहम्मदपुर झाल के समीप मोड़ पर उनकी बीएमडब्ल्यू कार का एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ की हालत गंभीर बनी हुई है। उनकी कार रेलिंग से जा टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे गंभीर रूप से घायल ऋषभ पंत को दिल्ली रोड स्थित सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को अलसुबह भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत बीएमडब्ल्यू कार से सवार होकर दिल्ली से रुड़की की ओर आ रहे थे। जब उनकी कार नारसन कस्बे में पहुंची तो कार अनियंत्रित होकर रेलिंग और खंभों को तोड़ते हुए पलट गई। इसके बाद उनकी कार में आग लग गई। तब तक ग्रामीण और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके बाद क्रिकेटर ऋषभ पंत को दिल्ली रोड स्थित सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋषभ की हालत गंभीर बनी हुई है।